अब इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो सेक्शन 7, रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? C5 to 8 T1, C5 to 6 C8 T1 या C5 6 7। फिर से देखिए, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू कितनी होती है? C5 to 8 T1, C5 to 6 C8 T1 या C5 6 7। एंड द राइट आंसर C5 to 6। ठीक है, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू होते हैं C5 to 6। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू होते हैं C5 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे मिलती है? किडनी में, लीवर में, थाइमस में या स्प्लीन में? फिर से देखिए, डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे मिलती है? किडनी में, लीवर में, थाइमस में या स्प्लीन में? एंड द राइट आंसर इज किडनी में। डक्ट ऑफ बेलिनी किडनी में मिलती है। डक्ट्स ऑफ बेलिनी किडनी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंजरी टू रेडियल नर्व एट एल्बो स्पेयर्स। ठीक है ना, एल्बो के यहाँ पे अगर रेडियल नर्व कट जाए तो कौन बच जाएगी? रिस्ट के एक्सटेंशन, फिंगर की एक्सटेंशन, थंब की एक्सटेंशन या फिर फर्स्ट वेब स्पेस की सेंसेशन? फिर से देखिए, एल्बो के यहाँ पे अगर रेडियल नर्व कट गई हुई है तो कौन सी चीज़ बच जाएगी? रिस्ट की एक्सटेंशन, फिंगर की एक्सटेंशन, थंब की एक्सटेंशन या फर्स्ट वेब स्पेस की सेंसेशन? एंड द राइट आंसर इज ए, रिस्ट की एक्सटेंशन बच जाएगी, बाकी सब उड़ जाएगी। रिस्ट की एक्सटेंशन बच जाएगी, बाकी सब कुछ उड़ जाएगी। क्वेश्चन 4 बोल रहे हैं, हाइब्रिड मसल कौन सी होती है? एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, टीबियलिस एंटीरियर या ग्लूटियस मैक्सिमस? फिर से देखिए, हाइब्रिड मसल कौन सी है? एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, टीबियलिस एंटीरियर या ग्लूटियस मैक्सिमस? एंड द राइट आंसर इज एडक्टर मैग्नस। हाइब्रिड मसल होती है एडक्टर मैग्नस, हाइब्रिड मसल है एडक्टर मैग्नस। क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, सेंसरी रीजियन ऑफ द अल्नर नर्व कौन सी होती है? टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट वेब स्पेस या लैटरल अपर एस्पेक्ट ऑफ आर्म? फिर से देखिए, अल्नर नर्व की सेंसरी रीजन कौन सी होती है? लिटिल फिंगर का टिप, इंडेक्स फिंगर का टिप, फर्स्ट वेब स्पेस या लैटरल अपर एस्पेक्ट ऑफ आर्म? एंड द राइट आंसर इज ए, लिटिल फिंगर का टिप। अल्नर नर्व की सेंसरी रीजन होते हैं लिटिल फिंगर का टिप। अल्नर नर्व की सेंसरी रीजन होते हैं लिटिल फिंगर का टिप। क्वेश्चन 6 देखेंगे, कोराको ब्रेकियलिस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व या मीडियन नर्व? फिर से देखिए, कोराको ब्रेकियलिस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व या फिर मीडियन नर्व? एंड द राइट आंसर इज मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। कोराको ब्रेकियलिस को मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। कोराको ब्रेकियलिस को मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, व्हिच नर्व पासेस अबव फ्लेक्सर रेटिनाकुलम? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से कौन सी नर्व पास करती है? पामर सेंसरी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व या मीडियन नर्व? फिर से देखिए, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से कौन सी नर्व पास करती है? पामर सेंसरी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व या मीडियन नर्व? एंड द राइट आंसर इज ए, पामर सेंसरी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है पामर सेंसरी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अल्नर नर्व, रेडियल नर्व और मीडियन नर्व सब अंदर से पास करती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टंग मसल किससे डिराइव्ड होती है? सेकेंड फेरिंजियल पाउच से, सेकेंड फेरिंजियल आर्च से, लिंगुअल स्वेलिंग ऑफ फर्स्ट आर्च से या ऑक्सीपिटल मायोटोम से? फिर से देखिए, टंग की मसल किससे डिराइव्ड होती है? सेकेंड फेरिंजियल पाउच से, सेकेंड फेरिंजियल आर्च से, लिंगुअल स्वेलिंग ऑफ फर्स्ट आर्च से या ऑक्सीपिटल मायोटोम से? एंड द राइट आंसर इज ऑक्सीपिटल मायोटोम से। टंग की मसल्स ऑक्सीपिटल मायोटोम से डिराइव्ड होती है। टंग की मसल ऑक्सीपिटल मायोटोम से डिराइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैस्टॉइड इज व्हिच टाइप ऑफ एपिफाइसिस? मैस्टॉइड किस टाइप की एपिफाइसिस होती है? ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एबरेंट एपिफाइसिस या प्रेशर एपिफाइसिस? फिर से देखिए, मैस्टॉइड किस टाइप की एपिफाइसिस होती है? ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एबरेंट एपिफाइसिस या प्रेशर एपिफाइसिस? एंड द राइट आंसर इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस। मैस्टॉइड एक किस्म की ट्रैक्शन एपिफाइसिस होती है। क्वेश्चन 10 देखेंगे, मिडगट इज सप्लाइड बाय व्हिच आर्टरी? मिडगट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक या इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी? फिर से देखिए, मिडगट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक या फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी? एंड द राइट आंसर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। मिडगट को सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई किया करती है। क्वेश्चन 11 देख रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ कस्प इन एओर्टिक वाल्व इज? एओर्टिक वाल्व में कस्प कैसे अरेंज होती है? लेफ्ट, राइट और एंटीरियर, एंटीरियर, राइट और पोस्टीरियर, पोस्टियर लेफ्ट और राइट या एंटीरियर पोस्टियर और लेफ्ट? फिर से देखिए, एओर्टिक वाल्व में कस्प कैसे अरेंज होती है? लेफ्ट, राइट और एंटीरियर, एंटीरियर, राइट और पोस्टीरियर, पोस्टियर लेफ्ट और राइट या एंटीरियर पोस्टियर लेफ्ट? एंड द राइट आंसर इज सी, पोस्टियर लेफ्ट और राइट। एओर्टिक वाल्व में पोस्टियर कस्प, लेफ्ट कस्प और कस्प और राइट कस्प होती है। एओर्टिक वाल्व में पोस्टियर कस्प, लेफ्ट कस्प और राइट कस्प होती है।
उसमें 12 देख रहे हैं, विच सेगमेंट ऑफ लीवर ड्रेन्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड में ड्रेन करने वाली लीवर की सेगमेंट कौन सी होती है, 1, 2, 3 या 4। फिर से देखिए, दोनों ही साइड में ड्रेन करने वाली लीवर की कौन सी सेगमेंट होती है, लेफ्ट और राइट में, 1, 2, 3 या 4, एंड द राइट आंसर इज 1। लीवर का सेगमेंट नंबर 1 लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में ड्रेन करती है, लीवर की सेगमेंट नंबर 1 लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में ड्रेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ब्रेकियल आर्च की द नर्व कौन सी होती है, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व, फेशियल नर्व या वेगस नर्व। फिर से देखिए, सेकेंड ब्रेकियल आर्च की नर्व कौन सी होती है, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व, फेशियल नर्व या वेगस नर्व, एंड द राइट आंसर इज फेशियल नर्व। सेकेंड ब्रेकियल आर्च की नर्व होती है फेशियल नर्व, सेकेंड ब्रेकियल आर्च की नर्व होती है फेशियल नर्व। क्वेश्चन 14 देख रहे हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, ठीक है ना, स्कैपुला के इंफ्रास्पाइनस फोसा में कौन सी मसल मिलती है, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर या सुप्रास्पाइनेटस। फिर से देखिए, इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला में कौन सी मसल मिलती है, सबस्कैपुलरिस, टेरेस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस या सुप्रास्पाइनेटस, एंड द राइट आंसर इज इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है ना, स्कैपुला की इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल मिला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस है 22.5 सेंटीमीटर इज ड्यू टू, इसोफेगस में 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्स्ट्रिक्शन किसके वजह से होती है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस के वजह से, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के वजह से, आर्च ऑफ एओर्टा के वजह से या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के वजह से। फिर से देखिए, इसोफेगस में 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्स्ट्रिक्शन किसके वजह से होती है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस के वजह से, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के वजह से, आर्च ऑफ एओर्टा के वजह से या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के वजह से, एंड द राइट आंसर इज आर्च ऑफ एओर्टा के वजह से। इसोफेगस में 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्स्ट्रिक्शन आर्च ऑफ एओर्टा के वजह से होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।